यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां होकर के आज सुंदर से शाम के लिए और रात्रि के समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज आपने मुझे पूरा दिन संभाल कर रखा और मेरे परिवार को भी खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि आप जीवित जिंदा यहोवा परमेश्वर हैं। इस सुंदर से समय के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद। पिता हम आपके चरणों में उपस्थित होते हैं पिता परमेश्वर, आते हैं क्योंकि आज आपके सामने हम प्रार्थना करते हैं और आपके बेटे और बेटियां होकर के सब मिल करके हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं आप उनके हृदय में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मुसीबत हो, दिक्कत हो, जो भी इनके दिमाग में सोच में थॉट्स में चल रहे हैं पिता आप उनको पूरा करिए, उनको जानते हैं खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज उनके परिवार में जो भी दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, पैसे की दिक्कत है, हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि उनके परिवार को जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ करते हैं और कमेंट करके हमें बताते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, माता के लिए, जो भी परिवार के सदस्य में लोग हैं, रिलेशन के हैं, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना। हमारे हृदय की गहराइयों को आप जानते हैं खुदावंद, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। गरीब और लाचार और त्यागे हुए को इस संसार में पिता परमेश्वर आप भली भांति जानते हैं, उनके आपकी आंखें उन पर निरंतर लगी रहती है, उनका आप ध्यान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आप उनके घर और परिवार और माता पिता भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर उनको आशीष दीजिए। मैं अपनी सारी कमियों को और अपने मामले जो भी हमारे पर मुसीबत है, दिक्कत है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ पिता परमेश्वर, आप मुझे लज्जित नहीं होने देंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमें हर वो दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से बचा करके रखते हैं मेरे खुदावंद, और मेरे प्राण की रक्षा आप करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज उनके घर में, परिवार में हर कार्य को चलने पाए पिता परमेश्वर, उनके परिवार में, फैमिली में, लोगों में जो समस्याएं हैं बढ़ती हैं, बाप के वचन को प्रचार करें और बांटें, और उनको हर प्रकार से मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मुसीबत हो, तकलीफ हो, उनको आजाद करें प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके परिवार को कभी टूटने ना पाए प्रभु यीशु। मैं आपसे विनती करता हूँ और निवेदन करता हूँ प्रभु कि उनके घर में कभी झगड़े ना होने पाए, और पिता परमेश्वर झगड़े अगर होते हों, परिवार टूटते हैं, तो वो बन जाए और चले अच्छे से, सुसमाचार उनके घर में पहुंचे और प्रचार के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा उनके हर दुख मुसीबत को ठीक किया जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर उनके जो बीमारियां होती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, उलझन, घबराहट, सिर में दर्द, पीठ में दर्द, खून की कमी, पथरी, पैरों में दर्द, सीने में दर्द, मिर्गी, लकवा, रतौंधी, टीबी, थायराइड की बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, काली खांसी, बुखार, जुखाम, जो भी पिता परमेश्वर है आप उन्हें ठीक करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ आज अंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, कुष्ठ रोग जो भी रोगाणु विषाणु निर्बलताएं दूर हो जाए, उन पर चमके पिता परमेश्वर, आपका सुसमाचार उन पर पहुंचे और उनके चेहरे पे चमक आए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की बीमारियां जो भी नाम नहीं है पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु कि आप उन्हें आजाद करेंगे। हर वो जो नाम नहीं, जिन बीमारियों का नाम नहीं पिता परमेश्वर, उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम, दिक्कत है पिता परमेश्वर, उनके रिलेशन टूट गए हैं पिता परमेश्वर, जिनके बाद बेटियां और बेटियां नहीं, उनको आप बेटे बेटियां दीजिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आप उनके परिवार में हर एक मुसीबत को, दुख को, तकलीफ को देखते हैं और वो आपसे प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूँ पिता आप उनको देखते हैं, समझते हैं, तब उनको आप आशीष देते हैं पिता, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देता हूँ कि दूर हो जाए परमेश्वर। अब हम सोने जाते हैं प्रभु, हमारे परिवार को और मुझे संभाल कर रखें और हमें अच्छी नींद दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों को पहरा लगा दीजिए प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं।